आप विधायकों को खरीद रहे हो, जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हो आप, समाजवादियों के विधायक खरीद लिए पैसा देकर के आपने। सुनने में आ रहा है कि बड़ा बड़ा पैकेज मिला है इन लोगों को, सुनने में आ रहा है कि दो साल बाद रजिस्ट्री कराएंगे, अभी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, अभी पकड़े जाएंगे फ्लैट की रजिस्ट्री होगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि यादव, आप देख रहे हैं डिजिटल धारा। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबर को देखने के लिए देखते रहिए डिजिटल धारा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा को धोखा देने वाले नेताओं पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर आमदा है, उसकी जो रणनीति है विपक्षी नेताओं को बदनाम और अपमानित करने की है। भाजपा सपा विधायकों को प्रलोभन और पैकेज का लालच देकर तोड़ रही है। जो विधायक धोखा देकर गए हैं वे धोखेबाज हैं, जब क्षेत्र में जाएंगे तब जनता इनसे हिसाब करेगी। उन्होंने कहा कि मनोज पांडे तो डिप्टी सीएम बने लायक है। ए चलाइए व्हाट्सएप वीडियो जो है, ना आवश्यकता है। जब भगवान प्रभु राम हमें बुलाएंगे, मनोज पांडे दौड़ते नंगे पैर भगवान प्रभु राम के दर्शन को जाएंगे। विधायक वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को दर्शन करने से रोका गया। क्या जो आप देख रहे हैं अद्भुत शिला है, अलक्ष्मी शिला है, जो नेपाल देश के रास्ते से होकर के आज ये लखनऊ में आई है। 101 विधायकों ने नारियल फोड़कर उस पर जलाभिषेक करके उनकी पूजा की है, अर्चना की है। उन्होंने आगे कहा कि देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, महिलाएं बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, नौजवान बेरोजगार है। भाजपा ने निवेश और भूमि पूजन के नाम पर झूठे दावे किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यूपी से चुनकर जाते हैं लेकिन निवेश गुजरात में कराते हैं। सपा विधायकों के राम मंदिर नहीं जाने पर अखिलेश ने कहा कि हमने किसी को दर्शन करने से नहीं रोका, लोग झूठी बयानबाजी कर रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी एवं राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, विधायक राजेंद्र कुमार के साथ प्रकोष्ठों के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भाजपा ने किसानों नौजवानों से झूठे वादे किए, किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, एमएसपी की गारंटी नहीं दी। सपा सरकार में किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी और नौजवानों को सेना में पूरी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, इसीलिए जानबूझकर भर्तियों के पेपर लीक करती है। 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई, वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो, 3 अगर गुणा कर देंगे 60 लाख में तो 1,80,00,000 लोग बनते हैं। और 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का 1 लोकसभा में 3,00,000 वोट कम हो रहा हो वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया काले कानून वापस ले लिए। किसान को और किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव, भारत रत्न चॉइस जयसिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूलों का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।